देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए एक अलग रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने कभी नहीं देखी और सुनी होगी। लौकी की आपने सब्जी, खीर, हलवा, बर्फी, रायता बहुत खाया होगा, पर लौकी स्वीट लच्छे नहीं खाए होंगे। मैं वही स्वीट लच्छे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए गाइस, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लौकी को छील कर धो लिया है, अब मैं इसे काट कर कद्दूकस कर लेती हूँ। हमने लौकी को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, अब हम इसे कद्दूकस करते हैं। तो चलिए गाइस, हम लौकी को कद्दूकस करते हैं। इसे लंबा लंबा ही कद्दूकस करें। तो देखिए गाइस, हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। हमने इसके ऊपरी पार्ट को ही कद्दूकस किया है, बीज वाले पार्ट को हमने छोड़ दिया है। हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें पानी रख दिया है। जब पानी बॉईल होने लगेगा तो अब हम इसमें कद्दूकस की हुई लौकी को डाल देंगे। तो देखिए गाइस, हमारे पानी में अच्छा उबाल आ गया है। अब हम इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डाल देते हैं। तो देखिए गाइस, हमने लौकी को डाल दिया है और चम्मच की सहायता से इसे थोड़ा मिला देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे ढककर उबाल लेते हैं। देखिए गाइस, 5 मिनट पूरे हो गए हैं, अब हम इस लौकी को देख लेते हैं। गाइस, हमारी लौकी उबल गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमने लौकी को पानी से अलग कर लिया है। इसे हमने एक छलनी में निकाल लिया है, छलनी में निकाला है, इससे जो बचा हुआ पानी भी निकल जाए। तो देखिए, हमने कढ़ाई को दोबारा चढ़ा दिया है, अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। हम इसमें 1 छोटा कप चीनी डालते हैं। हमने जिस कप से चीनी ली थी उसी कप में हम 1/2 कप पानी लेके इसमें डालेंगे। अब हम इसे चलाते हुए मेल्ट होने देंगे। हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। देखिए गाइस, हमारी चाशनी गाढ़ी हो चुकी है, अब हम इसमें उबली हुई लौकी डाल देंगे। गाइस, हमने लौकी को डाल दिया है, अब हम इसे ऐसे ही पका लेंगे। इसे थोड़ी थोड़ी देर पर हिलाते रहेंगे। देखिए गाइस, चाशनी सारी जल चुकी है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और हम अब इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमने इसे निकाल लिया है, अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हमारी लौकी थोड़ी ठंडी हो गई है, अब हम इसे अलग अलग कर देते हैं, थोड़ा फैला देते हैं जिससे ये चिपके ना। तो देखिए गाइस, हमारी लच्छा रेसिपी बनकर रेडी है। कितनी अच्छी बनी है, लौकी के लच्छे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। देखिए गाइस, अब हम इसे कटे बादाम से गार्निश कर देते हैं। अगर आपको हमारी ये लौकी लच्छा रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।